गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू सेवन चैप्टर. ओपन द पेज नंबर 104, एक्सरसाइज 7C, क्वेश्चन नंबर 5, सिंपलीफाई. ए नंबर पे है आपके 98.7 माइनस 93.4 प्लस 102.8 माइनस 56.345. पॉजिटिव नंबर्स को पॉजिटिव के साथ ऐड करोगे, नेगेटिव वाले नेगेटिव के साथ ऐड करोगे. ठीक है, जो प्लस वाले हैं वो आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं. 98.7 प्लस 102.8, 93.4 प्लस 56.345. दोनों को ऐड करोगे आप, जितना आएगा दोनों को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे. ठीक है, 7 प्लस 8 कितना होगा, 15. 15 की 5 रहेगी, 1 कैरीज आएगी. 8 प्लस 2 10, 10 में 1 ऐड किया 11, 11 की 1 आएगी 10, 1 कैरी 2. 4 प्लस 3 7.9, 9 प्लस 5 14. ओके, अब आप क्या करोगे, 201.5 माइनस 149.745 माइनस करोगे. अब यहाँ कुछ भी नहीं, इसलिए जीरो लेट करोगे. ठीक है, अब जीरो में से फाइव माइनस नहीं होगा तो कैरी लोगे, तो ये 10 हो जाएगा, ये 9, ये 4. ठीक है, 10 में से 5 माइनस के 5 आएगा, 9 में से 4 माइनस करोगे 5 आएगा, 4 में से 7 माइनस नहीं होगा, इसे कैरी लोगे तो ये 14 हो जाएगा. ठीक है, 14 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा. 10 में से 9 माइनस किया 1 आएगा, 9 में से 4 माइनस करोगे 5 आएगा, 110. 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसलिए यहाँ 3 डिजिट के बाद आप क्या करोगे, पॉइंट. ओके, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया. क्लियर, समझ आया कैसे करना है. हेंस 98.7 माइनस 93.4 प्लस 102.8 माइनस 56.345 इक्वल टू कितना है, 51.755. ये आपका आंसर आ गया. ओके, बी नंबर पे है 88.88 प्लस 4.044 माइनस 2.202. ओके, तो पहले आप क्या पॉजिटिव वाले ऐड करो और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ऐड करो. ठीक है, 88.88 प्लस 4.044 8.888 प्लस 2.202, दोनों को ऐड करोगे 8 प्लस 4 12, 12 की 1 आई 9.8 प्लस 4 12, 12 की 1 कैरी जाएगी 9. यहाँ 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा क्योंकि यहाँ भी है. ठीक है, 8 प्लस 2 10, 10 की 1 कैरी आई 9, 8 प्लस 2 10, 1 कैरीज आएगी, 8 प्लस 2 10, 10 में 1 ऐड किया 11, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद क्या लगाओगे, पॉइंट आएगा. ठीक है, अब क्या करोगे, नाउ 92.924 माइनस 11.090, माइनस करो, 4 में 0 गया 4, 2 में से 9 माइनस नहीं होगा, कैरी लोगे, ये 8 हो जाएगा, ये 12. ओके, 12 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3, 8. 2 में 1 माइनस किया 1, 9 में से 1 माइनस किया 8, 81.834 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया. ओके, हेंस 88.88 माइनस 8.888 प्लस 4.044 माइनस 2.202
02 इज इक्वल टू 81.834। क्लियर। अब जो सी नंबर है वो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ओके, सेम है जैसे ए और बी किया है वैसे सी करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट शुड बी एडेड टू 38.5 टू गेट 38.5 में क्या ऐड करें कि हमें कितना मिले 75। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 70 माइनस 38.5 करोगे। ठीक है, यहाँ जीरो लेट करोगे, जीरो में 5 माइनस नहीं होगा, कैरी लोगे, ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये 6। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 3। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, 31.5 शुड बी एडेड टू 38.5 टू गेट 70। ठीक है, 38.5 में हम 31.5 ऐड करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, 70 फाइंड होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 105.1 टू गेट 99.72। बोल रहे हैं कि हम 105.1 में क्या माइनस करें कि हमें 99.72 फाइंड हो। 105.1 माइनस 99.72, ये जीरो लेट करोगे। ठीक है, जीरो में 2 माइनस नहीं होता, कैरी लोगे, 10 हो जाएगा ये। ठीक है, 10 में से 2 माइनस करोगे 8 आएगा, 10 में से 7 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, ये 4 है, 4 में से 9 माइनस नहीं होगा, कैरी लोगे तो ये 14 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 14 में से 9 माइनस करोगे 5 आएगा, 9 माइनस 9 करोगे 0। ठीक है, इसने इसको कैरी दे दी, 0 बचा। 2 डिजिट के बाद क्या है, 2 पॉइंट है, इसलिए यहाँ 2 डिजिट का पॉइंट लगाओगे। ओके, आंसर क्या आया, 5.38 शुड बी एडेड, सॉरी शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 105.1 टू गेट 99.72। 5.38 क्या करोगे आप, माइनस करोगे किसमें, 105.1 में, तो आपको क्या फाइंड होगा, 99.72 फाइंड होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 तक आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कल बताऊंगी।